हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो FL इंडिया का Q3 का रिजल्ट आ चुका है, तो हम लोग सबसे पहले Q3 का रिजल्ट देख रहे थे और उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। FL इंडिया का रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग टोटल इनकम देख लेते हैं कंपनी का। इस बार का इनकम कितना रहा है तो देख रहे हैं हम लोग। इस बार का इनकम है 1494। इस बार का इनकम है 1494 और लास्ट क्वार्टर में था 1392। 1392 से 1494 मतलब ऑलमोस्ट 100 बढ़ा है क्वार्टरली बेसिस पे। ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो 1441 से ये 1494 हुआ, मतलब थोड़ा सा ईयरली बेसिस पे इंक्रीज हुआ है और अच्छा खासा क्वार्टरली बेसिस पे इनकम में इंक्रीज़ हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं टोटल एक्सपेंसेस कंपनी का कितना है। तो कंपनी के एक्सपेंसेस देख रहे हैं इस बार का 1245 और लास्ट में था 1148। तो यहाँ से देख रहे एक्सपेंसेस में भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है क्वार्टरली बेसिस पे, और ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है एक्सपेंसेस में। अब चलिए सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग कंपनी का प्रॉफिट या लॉस देख लेते हैं। तो ये रहा प्रॉफिट। तो कंपनी का इस बार का प्रॉफिट है 185 और लास्ट था 181। तो 181 से देख रहे क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ प्रॉफिट में, और ईयरली बेसिस में देखो तो 214 से ये 185, मतलब ये डाउनफॉल हुआ है ईयरली बेसिस पे। क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा ठीक ही है। अब हम लोग अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। तो देख रहे हैं इस क्वार्टर में है 1.38, लास्ट था 1.36। तो यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ क्वार्टरली बेसिस पे। ईयरली बेसिस पे तो हम देख रहे हैं 1.61 से 1.3 थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ। तो कुल मिला के कह सकते हैं क्वार्टरली बेसिस से कंपनी का रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा है, बट ईयरली ऑन ईयर कंपेरिजन में रिजल्ट उतना खास नहीं है। अब चलिए हम लोग टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं FL इंडिया का। तो यहाँ पर देख रहे हैं कंपनी अपने रजिस्टेंस 1318 इससे जाकर ये नीचे आ रही है। ये रेजिस्टेंस को कंपनी पार नहीं कर पाए और ये भी बीच में कंसोलिडेट कर रही है। और इसका नेक्स्ट हम लोग सपोर्ट देख रहे हैं 1126 और रिजल्ट आ चुका है। तो रिजल्ट के बाद हम लोग देखते हैं कंपनी ऊपर जाती है। अगर ये कंपनी 1318 के पास पार जाती है तो अच्छा रैली दिखा सकती है, बट ये अगर नीचे जाती है तो हम लोगों को नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा 1034 और उसका नेक्स्ट सपोर्ट है 995 और उससे नीचे देखेंगे तो 872। ये हम लोग सपोर्ट देखने को मिल रहा है, बट अब कंपनी का रिजल्ट आ चुका है। अब देखना है कंपनी कहाँ जाती है और आप लोग अपना डिसीजन खुद से ले सकते हैं। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरीके का वीडियो सबसे पहले आप लोग देख सकें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ। बाय, थैंक यू।